रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम लोग क्लास भी स्टार्ट ही कर दे रहे हैं। कल तक हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात कर लिया था। क्या एक बार आप में से कोई मुझे सभी लोग जो लोग प्रेजेंट हैं अभी इस टाइम पे आप मुझे कमेंट कर दें और ये मुझे बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप लोग को वो सारे साइंटिस्ट के नाम याद हैं और सारे डिस्कवरीज याद हैं, जितनी भी डिस्कवरी हम लोगों ने कल देखी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के दौरान जितने भी साइंटिस्ट आए थे, क्या सब साइंटिस्ट के नाम आप सबको याद है? ओके नहीं, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, क्लियर है, ठीक है। हेलो, मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, कभी आवाज क्लियर नहीं आती, कभी वीडियो क्लियर नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, अब जब तक हम लोग मोबाइल में क्लासरूम यूज कर रहे हैं मोदी जी के देन से, तब तक तो ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात की और उस सब एटॉमिक पार्टिकल से जितने भी साइंटिस्ट थे उन सारे साइंटिस्ट के बारे में जाना, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। और अब हम तक हमें इतना तो पता चल गया कि अब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीन चीजें तो है जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, एटम और उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अभी तक हमें सिर्फ तीन ही चीज पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो अलग बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें और भी बहुत सारी चीजें पता होती चली जाएंगी। हमें बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वो अलग बात है कि आज हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेज हैं वो डिवाइसेज इतनी छोटी यूनिट को नहीं कंसिडर कर पा रही है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे 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 हम लोग आप क्वांटम फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं, क्वांटम साइंस आपकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आज नहीं तो कल ये फिक्स हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन से भी हजार गुना छोटे, आप इलेक्ट्रॉन से भी हजार गुना छोटे पार्टिकल को बड़े आराम से देख पाएंगे और उसको सीख पाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एटम में हम लोगों ने तीन पार्टिकल देखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं एटम में, किस जगह पे रहते हैं, हमें इनके बारे में बात करनी है। इस तरीके से एटम का मॉडल दिया जाएगा और उस मॉडल में आपको कई मॉडल आए, बहुत सारे मॉडल आए, जिसमें सबसे पहला मॉडल दिया गया था विले थॉमसन के थ्रू।
एक बात मैं आपको बता दूं, जो एटम की पहली थ्योरी दी गई थी वो पहली थ्योरी थी, पहली थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, बट एटम का जो पहला मॉडल दिया था, पहला मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे जे थॉमसन। एक्चुअली इन्हें सर बोलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ लिया, इनके नाम के आगे सर लग चुका है। तो सर जे जे थॉमसन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था, एटम का मॉडल बताया था। बट थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट, एटॉमिक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जो था वो कौन था? जॉन डाल्टन। ठीक है, अब रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन ये दो साइंटिस्ट थे जो कहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि रदरफोर्ड अभी एटम के बारे में इनका दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं, ये एटम के मॉडल के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। रदरफोर्ड वहीं पे कहीं पे जहां पे जे जे थॉमसन एटम के मॉडल को दे रहे हैं और एटम के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर कहीं रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट, एर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम का ये जो साइंटिस्ट है, ये दुनिया को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बात आई, ये दुनिया को बचाना है तो किससे बचाना है? रेडिएशन से। अब आप सोच रहे कौन से रेडिएशन से, तो मैं बताऊं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन रेडिएशन है जो न्यूक्लियर फिजन के बाद निकलती है। इस टाइम तो अभी तक हेनरी बेकवेल ने, मैडम क्यूरी ने मिलकर के रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कर चुके हैं, वो लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर कर चुके हैं। अब चूंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर कर चुके हैं तो उससे निकलने वाले रेज भी हमें पता चल चुकी हैं। कौन कौन सी रेज है? अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज, ये तीन रेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की इतनी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जिस भी जगह पे होता है जहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है, वहां आसपास लोग रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते, वो जल्दी मर जाते हैं या कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड अभी कर रहे हैं उसका जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम जे जे थॉमसन के इस मॉडल को पढ़ने वाले हैं। तो जे जे थॉमसन ने एटम का पहला मॉडल दिया था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चूंकि जॉन डाल्टन ने अभी तक ये बताया है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट जे जे थॉमसन ने उसको डिवाइड किया है। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको डिवाइड, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर इन्होंने ये डिवाइड कर दिया तो इससे पता चल गया कि जे जे थॉमसन ने डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को फेल कर दिया, और जब डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो किसने फेल किया? जे जे थॉमसन ने। तो इसलिए जे जे थॉमसन का हक बनता है कि ये अपना दूसरा एटॉमिक मॉडल लाए। तो वो अलग बात है कि उनका वो एटॉमिक मॉडल नहीं था, वो एटॉमिक थ्योरी थी और ये एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आइए पढ़ते हैं थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया गया है या तरबूज मॉडल का नाम दिया गया, वाटरमेलन मॉडल का नाम दिया गया। जे थॉमसन ने अभी तक ये अप्रोक्सीमेटली ये बात ये जान गए हैं कि एटम का जो रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेट 10^-10 मीटर होता है, यानी कि ये अगर पूरा का पूरा एटम है और इसके सेंटर पॉइंट से लेकर के इसके रेडियस तक, यहाँ पे कॉर्नर तक जाए, ये सबसे बाहरी लेयर होगा, इस बाहरी लेयर तक जाए इसका जो रेडियस आएगा वो 10^-10 मीटर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होंगे, तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, उन्होंने कहा, जो थॉमसन ने कहा कि ये रेड कलर का जो पोर्शन है वो प्रोटॉन है और इसके अंदर जो छोटे छोटे यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं वो सारे डॉट आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी इस प्रोटॉन के चारों तरफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इनबिल्ट है जगह जगह पे। जिस तरीके से तरबूज के अंदर आप देखेंगे, आपने कभी तरबूज खाया हो तो आपको पता होगा ये तरबूज है, इस तरबूज के अंदर इसके सीड्स कुछ इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते हैं। अब किसने बनाया है, कैसे तरबूज को बनाया गया, उसके बीज आखिर इसी तरीके से ही क्यों होता है, ये सब मुझे नहीं पता,
ये नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल तरबूज आप नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में जरा आप देखें ध्यान से, इसमें ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो काम का काम करेगा, जे जे थॉमसन का ऐसा कहना है, और ये इसके सीड्स से ये इलेक्ट्रॉन के काम करेंगे, जे जे थॉमसन का ऐसा कहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपने बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन कौन है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कवर करके होल्ड करके रखने वाले पोर्शन को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए इस तरबूज के इस रेड वाले पोर्शन को जिसे आप खाते हैं और ये सीड, इन दोनों को एक जगह पे होल्ड करके रखने वाला सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? आप कहेंगे ये छिलका। ये जो छिलका आपको दिख रहा है, यानी कि यही छिलका आपका न्यूट्रॉन। ये कुछ इसी तरीके से मॉडल दिया गया था जे जे थॉमसन के द्वारा, इसलिए इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटर मिलन मॉडल भी इसे बोला जाता है। एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एटम सॉलिड है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, आप सब वैल्यू डालेंगे जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और इसके इसके अंदर लिखेंगे आप एटम्स आर स्फेरिकल सॉलिड एंड न्यूट्रल। एटम स्फेरिकल होता है, सॉलिड होता है और न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड इन ओवरऑल पॉजिटिव पोर्शन। थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज is always equal to amount of positive charge. ये तीन पोर्शन को जे जे थॉमसन के तीन मॉडल मॉडल का ये तीन रोल है। एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई जब कहीं पर रदरफोर्ड जो कि एक कवच तैयार कर रहे थे उस रेडिएशन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से बचने के लिए, तो एक मेटेरियल ढूंढ रहे थे जिससे वो अल्फा एक ऐसा कवच तैयार कर सके जिससे अल्फा पार्टिकल, ओके फिर से सुन लें, फर्स्ट पॉइंट था सॉलिड स्फीयर एंड न्यूट्रल, एटम्स आर सॉलिड स्फीयर एंड न्यूट्रल। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिस्पर्स इनटू पॉजिटिव पोर्शन, ब्रैकेट में दिए प्रोटॉन्स। या आप इसी को लिख सकते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। थर्ड पॉइंट है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इन सारी चीजों के बाद मैं फिर से बताऊं आपको, जे जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल में एक बात बताई थी कि एटम सॉलिड होता है। चलो ठीक है, मान लिया एटम सॉलिड, बाकी सारी बातें पुरानी वाली थी, एटम न्यूट्रल होता है, स्फेरिकल होता है, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ एक चीज गार्डन की वहां पे फेल हुई है और वो है कि एटम को डिवाइड नहीं किया सकता, यहाँ पे एटम को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी रदरफोर्ड क्या करने वाले हैं, वो एक कवच तैयार करने के लिए मटेरियल ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सबसे अच्छा मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल लिया होगा, बहुत सारे मटेरियल लिया होगा, और उसके बाद उन्होंने उस मटेरियल को थिन करने की कोशिश की, क्योंकि थिकनेस को कम करने की कोशिश की। और एक टाइम पे आपको पता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल मटेरियल होता है, इसलिए उन्होंने सबसे आखिरी में गोल्ड यूज किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया
और उस गोल्ड फॉइल को बहुत ही जितना ज्यादा वो पतला थिन कर सकते थे उतना ज्यादा वो थिन किया उन्होंने, और उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग किया। अच्छा, उनके दिमाग में यह था कि अगर ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा करके वापस आ जाए, इसको तोड़ ना पाए, तो हम इस मटेरियल का यूज रेडियो एक्टिविटी से होने वाले नुकसान के लिए कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इस मटेरियल यानी कि गोल्ड के अंदर उसको रखा जा सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसा हो जाता तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे अल्फा गन रखा है यानी कि अल्फा पार्टिकल रखा है, ये अल्फा पार्टिकल आएगा इस गोल्ड से टकराएगा, टकराने के बाद वापस लौट आएगा, और अगर ये इससे टकरा करके वापस लौट आएगा तो हम इस मटेरियल का यूज इसको होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता। रदरफोर्ड जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। अल्फा पार्टिकल यहां से निकला और यहां तक तो गया, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे कि वो टकरा करके सारे पार्टिकल वापस आएंगे तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि टकरा करके कुछ भी पार्टिकल वापस आए बाकी सारे पार्टिकल पर्टिकुलर एंगल पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखें ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे डिस्प्लेस हुए, कहीं 20,000 में से कहीं एक पार्टिकल वापस लौट के आया, यानी कि वापस लौटने वाला पार्टिकल तो बहुत 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 कम है। बेटा आपके यहाँ कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरी वीडियो तो क्लियर दिख रही है। मैं यहाँ पे लैपटॉप भी ऑन किया हुआ हूँ जिसमें मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरी उसमें पूरे क्लियर दिख रही है, और इसका मतलब ये वीडियो तो चल ही रहा है। आपके यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, उसे चेक करने के बाद। तो आप देखिए कि अल्फा स्कैटरिंग के बारे में जब हमने बात की, अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया, तो उन्होंने देखा कि जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, बल्कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इस तरीके से घूम रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंट उनका फाइनली। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ऐसे कैसे हुआ, अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि पूरी तरीके से सॉलिड था, अगर ये सॉलिड था तो अल्फा पार्टिकल इससे टकरा करके वापस चला जाता, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल इसको छेदते हुए आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सॉलिड तो नहीं है, तो जे.जे. थॉमसन का मॉडल यहीं पे फेल हो गया। जे.जे. थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है। स्टार पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे, स्टार पॉइंट बनाएंगे, जे.जे. थॉमसन का मॉडल आप पढ़ रहे हैं उसमें स्टार पॉइंट बना के लिखें। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन It failed to explain alpha scattering experiment of Rutherford. Rutherford के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये फेल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, फेल हो गया। तो अगर ऐसा नहीं है तो उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकला, उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकाला रदरफोर्ड ने वो कुछ इस तरीके से था कि अगर ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जो इसको क्रॉस करके जा रहा है, कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में दो और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे,
हैंस जेगर एंड इनर्स्ट मार्सडेल। इनर्स्ट रदरफोर्ड एंड इनर्स्ट मार्सडेल। अब ये बिल्कुल ना समझे कि दोनों का पहला नेम सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों भाई भाई हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन तीनों साइंटिस्ट ये जो वही रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब इन तीनों के एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखा तो इन सब ने मिलकर के एक कंक्लूजन निकाला। इन्होंने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकला कि जरा एक मिनट के लिए सोचते हैं, हमारे पास अगर यहाँ पे ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये लेड का ब्लॉक है, और इस लेड के ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। याद कीजिए, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अभी तक होल्ड करने के लिए सिर्फ हमारे पास लेड ही है, वो भी 10-15 सेंटीमीटर की थिकनेस वाला लेड हो तो उसी में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमें इतना ही पता है। तो हम क्या करते हैं, एक रेड लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करते हैं। सामने आपका एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो सामने रखा हुआ है वो फोटोग्राफिक प्लेट बताता है, वहां पे एक लाइट जनरेट होती है। आप समझ में आ रहा होगा कि आपको फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज तो चलिए डिजिटल कैमरा आ गया जिसमें मैं यहाँ पे आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। पहले डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे, पहले एक रील वाला कैमरा आता था, पीछे रील लगा दिया जाता था और ऊपर आगे से जब बटन को क्लिक किया जाता था तो उसका जो विंडो है सामने वाला विंडो वो 1/10 सेकेंड के लिए खुलता था। 1/10 to 1/6 वो डिपेंड करता है कितनी ज्यादा क्लियर इमेज आ रही है। 1/10 to 1/6 सेकंड के लिए खुलता था, जितनी कम सेकंड के लिए खुलेगा उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज दिखाई देता था। वो खुलता था ऐसे और फिर बंद हो जाता, ऐसे बंद हुआ तो उस दौरान जब वो ओपन हुआ होगा तो लाइट उस विंडो से अंदर गई होगी और वहां पे जाकर के वो स्क्रीन के ऊपर छप जाती है, और जब वो स्क्रीन के ऊपर जाके छप गई है उस टाइम पे अगर मैंने उसको धूप में रख दिया या सनलाइट पड़ गई तो वो नेगेटिव खराब हो जाता है, उसे नेगेटिव बोला जाता था। उसको अंधेरे में जाकर के धुला जाता था और उससे इमेज बनती थी, फोटो बनकर तैयार होता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता था। फिर बाद में उसको अपडेट किया गया तो कलर्ड फोटो आना शुरू हुआ। तो वो वही फोटोग्राफिक प्लेट है जो उस टाइम पे हम यूज करते थे कैमरे में। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इससे आपको पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जैसे उस ब्लॉक को ओपन किया उसमें से रेडिएशन निकला। तीन पार्टिकल है, अल्फा बीटा एंड गामा। उन तीनों पार्टिकल को जरा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे ये जो अल्फा पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर गया, ये जो बीटा पार्टिकल है और ये बीटा पार्टिकल और ये गामा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है बीटा पार्टिकल ही पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया है, और सबसे बीच वाला जो पार्टिकल आपको दिख रहा है वो गामा पार्टिकल। पहला पार्टिकल कौन सा था? अल्फा पार्टिकल। ये पार्टिकल कौन सा? बीटा पार्टिकल। ये पार्टिकल कौन सा? गामा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आप कहेंगे नेगेटिव तरफ मूव किया यानी कि वो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव किया यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, गामा पार्टिकल देखिए आप मूव भी नहीं किया तो ये गामा जब मूव भी नहीं करा तो इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा और सिर्फ एक वेव है, गामा रेडिएशन बोलते हैं इसे। एक बात मैं बता दूं, गामा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होता है, इतना खतरनाक कि उससे आज तक दुनिया में कोई बच नहीं पाया। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है गामा रेडिएशन से बचने वाले किसी एक बंदे का नाम? Anybody? हल्क। बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ हल्क ही बचा है गामा रेडिएशन से, वो मार्वल का हीरो हल्क, उसके अलावा कोई नहीं बच पाया है, ठीक है। गामा रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से वो हरा हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पे जो गामा रेडिएशन बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें तीन रेडिएशन पता चल गया, अल्फा बीटा गामा। ये कहां से निकला है, ये इस लेड ब्लॉक के अंदर वो सोर्स जो रखा हुआ है, जिसे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल रहे हैं, सॉरी जिसको आप लोग इलेक्ट्रो सॉरी अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप बोल रहे हैं, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से तीन पार्टिकल मूव कर रहा है, तीन पार्टिकल निकल रहे हैं, तीन वेव निकल रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में जानने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इनकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में देखें, इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो जितना ज्यादा पतला होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो जो सब जो पार्टिकल जितना ज्यादा हैवी होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कम होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चले मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ओके, तो अब हम पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात करने वाले। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, गामा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। वो जो अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो नेगेटिव, क्योंकि हीलियम के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि हीलियम का अभी हीलियम का ये न्यूक्लियस जो है वही आपका अल्फा पार्टिकल है। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस डिस्कवर ही नहीं किया, अल्फा पार्टिकल हमें पहले पता चल गया। नहीं, मैं आपको बताऊं कि भले हमने न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं किया है, मान लिया जब न्यूक्लियस डिस्कवर होगा तब जाके इसके बारे में बात करेंगे, वो अलग बात है। हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव प्लस टू का चार्ज हो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दे रहा हूँ, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूंगा तो आप देखेंगे कि इसका ये हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं है बल्कि हीलियम न्यूक्लियस है, इस बात को आप याद रखिए। यहीं पे अगर मैं बीटा पार्टिकल के बारे में बात करूं तो बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस टू का चार्ज होता है, वहीं पे बीटा पार्टिकल के ऊपर माइनस वन का चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल नेगेटिव। वहीं पे अगर मैं गामा पार्टिकल के बारे में बात करूं तो गामा पार्टिकल को अगर देखें तो सबसे हाई एनर्जी होती है, और तो और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, ना तो इसका कोई मास होता है ना ही इसका कोई चार्ज होता है। तो ये एक टाइप का एनर्जी है जिसका ना तो कोई मास है और ना ही कोई चार्ज। पेनिट्रेटिंग पावर मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं, अल्फा पार्टिकल देखिए, ये पेपर है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है मिलीमीटर थिकनेस में, और ये आपका लेड कंक्रीट है। तो सबसे पहले सबसे पतला आपको पता है पेपर, उसे थोड़ा सा मोटा कर दिया गया एल्यूमिनियम फॉइल बनाया, और उसके बाद कंक्रीट बनाई गई एक दीवार। ये देखिए सपोज ये जिस घर में मैं हूं उस घर का दीवार। तो जब मैं इस अल्फा पार्टिकल बात करूंगा तो वो सिर्फ पेपर से ही पास नहीं होगा, पेपर को ही पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो बीटा पार्टिकल जो पेपर को तो पास हो जाएगा ना, और ये वो पास हो जाता है, उसके बाद वो पास नहीं होता। लेकिन गामा पार्टिकल, भाई साहब गामा पार्टिकल पेपर को क्रॉस कर देगा, एल्यूमिनियम फॉइल को भी क्रॉस कर देगा, और साथ ही साथ कंक्रीट को भी क्रॉस कर देगा। यानी कि अगर आप कंक्रीट के अंदर हैं तो भी आप भी घर के अंदर है तब भी आप बेटर गामा पार्टिकल से बच नहीं सकते। तो ये तो अल्फा बीटा और गामा की बात है। उस अल्फा बीटा गामा से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो होगा, उस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा फॉलो किया है, उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला, हम उस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, और उससे होने वाले नया मॉडल जो एटम का आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सेटअप कैसे तैयार किया गया। सेटअप तैयार किया, गोल्ड फाइल लिया गया, यहाँ पे एक जिंक का प्लेट लिया गया और उसके अंदर ऊपर कोटिंग कर दिया गया, और जैसे इस पर अल्फा स्कैटरिंग किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे यहाँ पे छोटी छोटी लाइटें दिखेंगी जिससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है।
अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि कुछ भी हो एटम खाली तो एटम सॉलिड तो नहीं हो सकता, एटम का ज्यादातर पोर्शन क्या होगा, खाली होगा। आइए उसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये गोल्ड पहले थोड़ा स्लो मोशन में से देख रहे हैं, आराम से देखिए। अल्फा पार्टिकल गया और जब वो गया तो अलग अलग एंगल पे जाके टकराया और ज्यादातर उसका अमाउंट सीधे चला गया, कुछ ही है जो पर्टिकुलर एंगल पे लेस एंगल पे डेविएट हुआ और बहुत ही कम ऐसे हैं जो बहुत ही हाई एंगल पे डेविएट हुए। और तो और कहीं 20,000 में से एक पार्टिकल होगा जो पीछे की तरफ आ रहा होगा, सोचिए इतना काम अमाउंट। और ज्यादातर अमाउंट सीधे चला गया, इसका यही मतलब हुआ ना कि गोल्ड फाइल ज्यादातर क्या होगा, खाली रहा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया और एक लॉ बनाने की कोशिश की, एक मॉडल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरीके का है। देखें जो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, ये लाइन देखिए, जरा इन सारे लाइंस को देखिए, ये सीधे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले को देखूं या मैं इस वाले को देखूं, ये वाला न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियस के जा रहा है, इसलिए सीधे 180 पर घूम जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे निकल जाना चाहिए। इससे यही हमें पता चला, कंफर्म हो गया कि एटम होना हो कुछ इसी तरीके का होगा। ये ढेर सारे एटम होंगे, मैं किसी एक को जूम करके वहां पर रख दिया कि ये एक एटम का आपको ये शेप दिख रहा है और उसमें आप देखेंगे ज्यादातर एरो सीधे चले गए। और जब ज्यादातर एरो सीधे चले गए उसका सिंपल सा एक ही मतलब हुआ कि ज्यादातर स्पेस उसका क्या है, खाली है। कुछ पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो रहे हैं तो आप जरा बताइए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो डेविएट हो रहा है किसी से, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से ही डेविएट होता है, नेगेटिव से डेविएट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेविएट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जरूर एक ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सेंटर पे हम पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा हम अंदाजा लगाएंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन से। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि वो टकराने के बाद वापस आना, अगर वो टकरा रहा है टकरा करके वापस आ रहा है, इससे यही पता चला कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होगा, बहुत ज्यादा सॉलिड होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत होता है। और वो टकरा के अगर वापस आ गया तो इसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा मजबूत सामने वाला होगा, तभी तो वापस आ गया लड़ने के बाद। अगर अल्फा पार्टिकल मजबूत होता तो वो सामने वाले को तोड़ देता, लेकिन ये तोड़ नहीं पाए और वापस आ जा रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज। गोल्ड की बात करो भाई, गोल्ड की बात करो, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर और बहुत ज्यादा सॉलिड होगा, जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पे रोटेट कर दे रहे हैं। किस तरीके से कुछ कंक्लूजन निकला, कौन कौन सा कंक्लूजन है? पहला, एटम का ज्यादातर पोर्शन खाली होगा। दूसरा, इसके ऑब्जर्वेशंस आप सब लोग फटाफट इसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। इसमें लिखें एटम हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है एटम have large empty space, second observation atom have a small positive solid portion at its center, atoms have small positive charge at its center called nucleus, called nucleus। Next point, the radius of atom is
10^-10 meter. Next, the radius of nucleus is 10^-13 meter. Approximate. एटम की रेडियस कितनी है 10^-10 मीटर और वो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है 10^-15 मीटर यानी कि न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा है उससे बहुत छोटा एटम से बहुत छोटा है न्यूक्लियस इस तरीके से ये उनका ऑब्जर्वेशन था और अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक बात याद रखो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन ये आता है द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन तो मैं आपको बता दूं प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं गोल्डस्टीन ने की थी और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रदरफोर्ड ने आखिर क्या किया था तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी वो अलग बात है कि हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस प्रोटॉन कहलाता है लेकिन वो तो अलग बात है ना रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस जोड़ा था प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन ने जोड़ा था तो इसलिए इनके मॉडल का नाम है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यही रीजन है लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग Around the nucleus at random path. कैसे बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट रैंडम पाथ न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडम पाथ के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे अच्छा अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आया क्वेश्चन ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर है तो वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको छोटा लगेगा तो बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होगा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता उन्होंने कहा जिस तरीके से जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं देखिए सन के चारों तरफ प्लैनेट जिस तरीके से मूव करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होता है ये बात उन्होंने कहा लेकिन जो क्वेश्चन आया इसलिए इस रदरफोर्ड के इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल का नाम भी दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रदरफोर्ड के इस मॉडल इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम ये तीनों नाम से इसको बुलाया जा सकता है जिस तरीके से प्लेनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे एटम के चारों तरफ ऐसा कुछ उन्होंने सोचा लेकिन वो जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है चलो ठीक है मान लिया इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है मूव करेगा तो मूव करेगा तो इसके अट्रैक्शन से ये धीरे धीरे इसका जो पाथ है वो कम होता चला जाएगा और जब धीरे धीरे इसका पाथ कम होता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा और जब वो न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा यानी कि आप कहेंगे सर ये जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी तो बहुत कम होगी जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका जो पोर्शन आप देखेंगे उसका पाथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और जब पाथ धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा तो धीरे धीरे आप कहेंगे बहुत ही पास होता जाएगा न्यूक्लियस का एक टाइम आएगा आप न्यूक्लियस में गिरेगा और बॉम्ब यानी कि इसकी स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है
हमने कोई भी एटम बनाया और वो एटम बनाने के कुछ ही टाइम के बाद वो अचानक से खत्म हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप पैदा हुए और जैसे लक्ष्य आपका पैर पकड़ गया वो भाग गए थे पीटने के चक्कर में, जब तक आप गायब हो गए, क्योंकि आप भी तो एटम से बने हैं ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि नर्स कहाँ से स्टेबल थी इतनी? नहीं नहीं भाई, वो भी नहीं रही होगी, ये दूसरा ज्ञान। मान लीजिए ये रिमोट हमने बनाया और रिमोट अचानक से बनाकर ऐसे रखा, दूसरा रिमोट बनाने के बाद ये रिमोट गायब हो गया, कैसा पॉसिबल है? नहीं, मानता हूँ ये गायब होगा, खराब होगा, टूटेगा फूटेगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। इसका मतलब एटम तो स्टेबल है, जिस हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल किया जाता है कि एटम स्टेबल ही नहीं। यही पे रदरफोर्ड का यह मॉडल फेल हो जाता है। आइए वापस से देखते हैं, स्टार्ट पॉइंट बनाए और लिखे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इट कांट एक्सप्लेन मैक्सवेल्स एनर्जी रेडिएशन लॉ। मैक्सवेल्स की एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, एनर्जी बैकिंग रेडिएशन लॉ, एनर्जी रेडिएशन के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैक्सवेल का ये कहना है कि अगर कोई भी चीज, जरा एक बात को ध्यान दें, मैक्सवेल के एनर्जी रेडिएशन लॉ ये कहता है कि अगर भी कोई भी चीज रैंडम पाथ पे मोशन करेगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी रैंडम पाथ पे। अगर कोई भी पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो चाहे न्यूट्रल पार्टिकल हो, कोई भी ना, अगर वो रैंडम पाथ पे मोशन करेगा तो आप देखेंगे वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज करता जाएगा। ये बात है। और ये इलेक्ट्रॉन जब मैं मॉडल बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया ना कि रैंडम पाथ पे, किसी रैंडम पाथ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई, इसलिए रदरफोर्ड के इस मॉडल को फेल कर दिया गया। हालांकि रदरफोर्ड मॉडल देना ही नहीं चाहते थे, वो तो बस गलती से उनसे एक्सपेरिमेंट हो गया तो उन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल देना नहीं चाहते। इन सारी चीजों के बाद अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो ये मॉर्निंग मैसेज आया, मैं 12 से 25 लाख रुपया जीत गया हूँ, और जिस मैं 25 लाख रुपया जीत चुका हूँ मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यार कुछ भी मैसेज भेज देते हैं आजकल लोग। तो ये जो मॉडल है अभी कल जो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ है, उस रदरफोर्ड के मॉडल को फेल होने के बाद काफी टाइम के बाद बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बोहर के इस एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले मुझे कुछ बातें हैं जिन लोगों को जान, जिन बातों को जान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी कि मिला जुला करके अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी कुछ पढ़ा वो सिर्फ आपके काम की सिर्फ उसमें से 20% चीजें थी। अब जो आगे स्टार्ट होने वाला है वो आपके 80% चीजें वही, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है जिसको आप ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है? यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बोहर से एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले पढ़ना है हमें, और इस बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट एक एलिमेंट है एक्स, तो उस एक्स एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें यूज करेंगे, एक जेड यूज करेंगे और एक ए यूज करेंगे। आप सब यहीं से नोट करते जाएं, जहां पे एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ए एटॉमिक मास नंबर है, एंड जेड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अपनी कॉपी में जो 11th के बच्चे, आराम से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। जिन लोगों को आपको लगता है कि आप नहीं, आपको ये सारी चीज नहीं आती, वो सारी अपनी कॉपी में नोट करते हैं। एक्स एटॉमिक मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये है आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट। अगर मैं बात करूं जेड की,
तो ये जो एटॉमिक नंबर है, इसके पहले हम लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो जेड है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, जेड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलेंगे और आप तुरंत आंसर देंगे, सभी लोग बड़ा से आंसर देंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन ये है, एन एटम हैज 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ एटम। मैं वेट कर रहा हूं। प्रोटॉन मिल गया, प्रोटॉन 29 है, मास नंबर 64, ओके, मास नंबर 64 बिल्कुल सही है, मास नंबर 64, प्रोटॉन 29, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिन लोगों ने नहीं किया उसको उनके लिए मैं इसको एक बार रैंडमली ऐसे दिखा देता हूँ कैसे करना है, फटाफट आप देख लें और इसके बाद फटाक से आगे बढ़ें। ये सारी चीजें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35 है, जेड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 29, ए की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 64, और जो सिंबल है 29 और 64, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो कॉपर की बात कर रहा है। ओके, ठीक है, एक बात याद रखें, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर यहां पे सेम दिखेंगे, यानी कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बट प्रॉब्लम ये होगी कि उनका जो नंबर ऑफ मास नंबर है वो चेंज होगा, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन तो सेम है तो एक ही चीज चेंज हो रही होगी और वो है न्यूट्रॉन। तो एक्स यहाँ पे जेड एक्स ए है, तो यहाँ जेड एक्स ए प्लस वन, जेड एक्स ए प्लस टू, ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम होते हैं और सॉरी जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक, यानी कि ऐसे सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर वाले हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे लिथियम के तीन आइसोटोप्स हैं, 3, 6, 3, 7 and 3 8, लिथियम 3, 6, लिथियम 3, 7 एंड लिथियम 3, 8, इसके तीन आइसोटोप्स हो गए। इसी तरीके से कार्बन की, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के H13, H12, H11, कार्बन के 6C12, 6C13, 6C14, क्लोरीन की 17Cl35, 17Cl37, ये दो क्लोरीन के आइसोटोप हो गए। तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप, तीन आइसोटोप्स, कार्बन के तीन आइसोटोप्स एंड क्लोरीन के दो आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स कहला, यानी कि जिनके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटोप्स कहला। स्टार बॉन्ड बनाएंगे और हेडिंग लिखेंगे, स्टार बॉन्ड बना के लिख देंगे। कंपाउंड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन में जो प्रोटियम होता है 99.985% होता है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 1 है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और बाकी दोनों मिलकर के 0.015% होता है, जिसमें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन 1 होगा, इसे ड्यूटेरियम के नाम से बुलाया जाएगा, और सबसे आखिरी वाला जिसमें 2 न्यूट्रॉन है उसे ट्राइटियम के नाम से बुलाया जाएगा। सबसे हैवी अगर बात करूं तो ट्राइटियम सबसे हैवी होता है, ड्यूटेरियम उसके बाद प्रोटियम, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं, हाइड्रोजन को ही या डीटेल को हम हाइड्रोजन का नाम दे देते हैं।
क्यों? क्योंकि टाइटन कैसा है? रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव है उसे मानते नहीं है। हम किसको और बात करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरियम की बात करेंगे। इसलिए ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा? आपका हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। इसी तरीके से हमारा क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 1735 एंड 1737। ये तो रहे आइसोटोप्स के बारे में जो कि आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स आपको दिख रहे हैं, एक का मास नंबर 35, दूसरे का मास नंबर 37 है। पहले वाले में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 18 है, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20 है। पहले वाले के एटॉमिक नंबर और दूसरे वाले के एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और साथ ही साथ दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। प्रोटॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, बस अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का, जो न्यूट्रॉन अलग अलग है, ठीक है, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सेम है। इसीलिए फिर इसका नाम ये आइसोटोप्स है, क्योंकि न्यूट्रॉन अलग है और न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से आइसोटोप। आप लोग इस जब तक आप इसे नोट करेंगे तब तक मैं पानी पी लेता। अब कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनके मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। नोट करें और लिखें, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आर्गन, क्रिप्टन एंड कैल्सियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर कितना है? 14। उसी तरीके से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 और मास नंबर कितना है? 40। इसी तरीके से कैल्सियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 और मास नंबर कितना है? 40। तो मास नंबर आप देखेंगे सबका बराबर है, जबकि इसका सबका तीनों में से तीनों का एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए ये तीनों क्या कह रहा है? आइसोबार्स कह रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आइसोबार्स है, ये इसके एटॉमिक नंबर है, वो है आपका मास नंबर। मास नंबर अभी भी सेम है बट एटॉमिक नंबर अभी चेंज हो गया, ये आपके आइसोबार्स कह रहा है। रदरफोर्ड का ये जो न्यूक्लियर मॉडल है, ये न्यूक्लियर मॉडल अभी तक फेल हो चुका है। रदरफोर्ड के इस न्यूक्लियर मॉडल के फेल होने के क्या रीजन है? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, पहला न्यूक्लियर मॉडल क्या कहता है? पहला न्यूक्लियर मॉडल, इनका न्यूक्लियर मॉडल सबसे पहला जो उसका जो ड्रॉबैक है वो है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्योंकि जल्दी से ये इसके अंदर गिर जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी इसकी हाई नहीं, यानी कि बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये पहला पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फेल होने का रीजन बताया, यही उनका ड्रॉबैक भी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिला था जो बोहर देखे थे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट, कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थर्ड पॉइंट, could not explain the distribution of energy of electrons in an atom. Last point है, ये जो continuous spectrum है इसके बारे में अभी आज atomic model में discussion करेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि ये कितने type के spectrum होते हैं,
ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो भी थोड़ी देर पहले आपने देखा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड बने होते हैं, तो ये सारी बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में रहेगा, इसके बारे में बात नहीं कर पाया। लास्ट पॉइंट लिखें, कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस तरीके से रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल फेल होता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल फेल होने के जो रीजंस हैं, वो आपके सामने इतने सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। सबसे पहला मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल, उनकी एनर्जी थियरी, हर्ज इनकी फ्रिक्वेंसी थियरी, नील बोर ने तो अभी नया मॉडल उनको देना ही देना है, प्लैंक की थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के रदरफोर्ड की ले ली अच्छे से। अब ये सोचो कि सबने मिलकर के उनकी थ्योरी को इतना बुरी तरीके से नकार दिया कि वो बेचारे पागल होकर घूमने लगे। उसके बाद अच्छा एक और बात, जे जे थॉमसन, जिनका नाम है सर जे जे थॉमसन ने साइंस को भटका दिया था एटम का वो प्लम बोर्डिंग मॉडल दे करके, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा साइंस भटक चुका था कि आप देखेंगे कि उससे प्लम बोर्डिंग मॉडल के बाद काफी टाइम लगा हम लोगों को ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के देखने के बाद और नया मॉडल आने में, और तब तक साइंस भटक रही थी। एक गलत ट्रैक मिल गया था साइंस को, उस गलत ट्रैक को सही ट्रैक पे लाने का काम किया है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड भले एटम के स्ट्रक्चर को नहीं दे पाए, फेल हो गए, बट उन्होंने उसको साइंस को एक सही डायरेक्शन दे दिया, एक सही ट्रैक पर उस सबको लेके आए। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आज अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो हम कुछ भी नहीं जान पाते, कुछ भी नहीं, हम झूठ में जिंदा रहते। और शायद यही रीजन है कि पिछले 50 सालों में हमारी साइंस की तरक्की कहां से कहां पहुंच गई। उसके पहले 150 सालों में कुछ नहीं था, पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची, हम चांद तक पहुंच गए, सोचिए। तो इसीलिए एक सही टेक्निक की बहुत ज्यादा जरूरत होती, गलत बातों को फेल हो जाए चलेगा। इन सबने मिलकर के रदरफोर्ड को फेल किया। उसके बाद नया मॉडल दिया गया था नील बोर के द्वारा, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो एनर्जी इमिट करेगी, जो एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये बात रदरफोर्ड का ये मॉडल नहीं बता पाया। लेकिन नील बोर का जो मॉडल था वो ये सारी बातें बता पाया। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एनर्जी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एटम की स्टेबिलिटी बता दिया और ये सारी चीजें बता दिया, साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी बता दिया कि एटम के इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है और वो किस से एक दूसरे के उन साइंटिस्टों के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन साइंटिस्ट के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए एक एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल,
जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले हमें यह करना होगा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके होंगे तब जाकर के हम बोहर के इस मैग्नेटिक थ्योरी को शायद सीख पाए या समझ पाए। आइए देखते हैं, आपने वेव देखा है दो तरीके का वेव, यहां पे मैं दो तरीके का वेव लेके चल रहा हूं। एक शांत वातावरण है, पानी एकदम शांत है, आप नदी के किनारे, झरने के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए, तो आप बैठना ही है, आप तैरना स्विमिंग पूल ना हो तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आप बाल्टी ले लीजिए उसमें पैर डाल के बैठ जाइए स्विमिंग पूल समझ लीजिए, फेल करो, फेल करने से सब कुछ होगा। मैं देखो मेरे बॉसन का लिखता है भाई मेरे लिए स्विमिंग पूल बजा, पानी एकदम शांत है, अभी उसमें कोई लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आप उसे आराम से ध्यान से फील करें। अचानक से कोई आए और उसमें एक कंकर उठा करके ऐसे फेंक दे, आप उस कंकर, जैसे वो कंकर जहां पे गया होगा होगा का थोड़ा सा वाटर नीचे की तरफ घुस हुआ होगा, और जब वाटर नीचे की तरफ घुस हुआ होगा तो दुनिया में हर चीज जो ये चाहता है कि उस डिस्टरबेंस को खत्म, वापस एक थ्रस्ट फोर्स लगा और वो लेयर ऊपर गिर रहा है, और इस तरीके से उस पोर्शन के जहां पे आपका वो पत्थर गिरा था, वो स्टोन गिरा था, उसके चारों तरफ फैल जाती है। ये एक वेव है, इसको हम वाटर वेव का नाम देते हैं। सेम इसी तरीके से साउंड वर्क करता है, साउंड से हुआ है, साउंड एनर्जी से, जैसे बिग बैंग थ्योरी या हमारे वेदों में ये बोला जाता है कि भगवान शिव का एक अवतार था रुद्र अवतार, रुद्र ने गर्जना की और उस गर्जना से पूरा यूनिवर्स तैयार हुआ है, वो अलग बात है, गर्जन रुद्र गर्जन को बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, रुद्र का मतलब होता है भयानक दमदार, गर्जन का मतलब होता है साउंड आवाज, यानी कि रुद्र गर्जन का मतलब हुआ दमदार आवाज। अच्छा साइंस में इसी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग, बिग का मतलब बड़ी भयानक, बैंग का मतलब होता है साउंड, बिग बैंग भयानक साउंड, इसी चीज को वेदों में रुद्र गर्जना का नाम दिया गया है, वो अलग बात है, साइंस लोगों ने बिग बैंग का नाम दिया है वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। कि ये जो साउंड है वो साउंड भी एक तरीके का सेम वैसे ही वेव प्रोड्यूस करता है जिस तरीके से वाटर वेव है, सेम और सेम यही रीजन है कि वाटर के अंदर साउंड बड़े प्यार से एब्जॉर्ब हो सकता है। सोचिए वाटर के अंदर साउंड बड़े प्यार से एब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो उस वाटर को हम एक तरीके से कैमरे बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, आप कहीं पर मर्डर होता है आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, लेकिन याद रखिए उस सीसीटीवी कैमरे में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ पिक्चर रिकॉर्ड होता है जब तक कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ना लगी हो। लेकिन ये जो वाटर है, इस वाटर अगर कहीं पे किसी के घर में कुछ हो रहा है और वहां पे एक ग्लास का पानी का ग्लास रखा हुआ है, तो जो कुछ भी वहां पे होगा, जैसा भी माहौल होगा, जो कुछ भी बातचीत हो रहा होगा, वो साउंड के फॉर्म में निकलेगा, वो उस वाटर में जहां जहां पानी होगा उस वाटर में जाके एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, यानी कि वो जो ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में वो सारी चीजें हैं जो आपके पूरे दिन में आपके घर में हुई है। इसका मतलब अगर आपके घर में मर्डर हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी घर में मर्डर हो गया और उसके टेबल पर एक कांच का ग्लास रखा हुआ, उसमें पानी रखा हुआ है, हमारी साइंस अगर इस डेवलपमेंट को यहां तक पहुंच जाए कि उस वाटर के अंदर से वो सारे साउंड को निकाल सके, तो हमें पता चल जाएगा कि किसने मर्डर किया, बगैर सीसीटीवी कैमरे के, बगैर वॉइस रिकॉर्डिंग, पानी के अंदर इतनी वो इसी थ्योरी से है जो साउंड, इसी वेव को हम समझने की कोशिश करेंगे। बोहर का मॉडल किस तरीके से इस वेव को एक्सप्लेन करेगा, इसको समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वेव आखिर होता क्या है।
एक वेव आपने साउंड वेव देखा, एक वेव आपने वाटर वेव देखा, यही पे एक तीसरा वेव में यूज करने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पहले तो आप ये देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, ये रेडिएशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सब चारों तरफ रेडिएशन से घिरे हुए हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते हर जगह हम चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हुए। रेडिएशन खतरनाक है और खतरनाक नहीं भी है, वो डिपेंड करता है कि कौन से रेडिएशन की बात करते हैं। अगर आप ज्यादा रेडिएशन के चपेट में हैं तो आप बिलीव कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा रेडिएशन के चपेट में हैं तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डाउन होगा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। वो अलग बात है, उसका आजकल इलाज है मार्केट में, लेकिन रेडिएशन की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं, माइंड धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। आप में से उसमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे रेडिएशन हैं जिन रेडिएशन को हम देख लिए तो हालत खराब हो जाए, फील करने की तो दूर की बात, लेकिन कुछ रेडिएशन है जो डेली लाइफ में हम खाते हैं, अगर डेली ऑब्जर्व करते हैं उसे, डेली एब्जॉर्ब करते हैं उसको, डेली के लाइफ में होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी कुछ बातें हैं जिसको आपको समझ लेनी चाहिए, एक एक बात को डिटेल में समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जरा मैं आपको समझा दूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, आप मुझे शायद देख पा रहे हैं, फिर से एक बार देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक काम करते दोनों को एक साथ लेके चलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी तो इस तरफ जा रहा था, ठीक है, बीच में एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, और इसका प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में, सीधे आपकी तरफ, तो यानी कि इसका प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा डेटा चेंज करना, देखिए मोबाइल का डेटा वार्निंग में आ गया है, इतनी जल्दी कैसे ये जुड़ा, अच्छा दो मोबाइल चल रहा है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डेटा अभी भी चेंज हुआ है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको, डेटा सेट चेंज किया है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है सबको। ओके ठीक है, तो सुनते जाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और वो अपने प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की है, चार पॉइंट बनाए और हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। बॉर्ड स्टडी वर्ल्ड को पढ़ने से पहले कुछ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे और कल हम उसमें बॉर्ड स्टडी मॉडल की बात तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लिखे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है इसके बाद. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR. इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा. तो पॉइंट नोट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, यहां पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे एक दूसरे के बाद निकल रहा. ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ये ब्लू कलर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है और रेड कलर में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है. ये आगे की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है वो उसका प्रोपोगेशन है. आप देखेंगे ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन के बीच में जो आपको एंगल दिख रहा है, ये सामने आपको एंगल दिख रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है और इसका डायरेक्शन इस तरफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये कुछ पॉइंट. एक और पॉइंट नोट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट डेविएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट डेविएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करता. आइए देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे. अभी आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए. मैं कैसे पूछूंगा आपको बताना होगा. इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट डिपेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नहीं तो क्लियर दिख रहा हूं. देखें आप मुझे बताइए, चलिए मैं क्या करता हूं, एक तरफ यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा देता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूम में जनरेट कर देगा. और मैं आपको आपसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता हूं, बहुत तारीफ करता हूं आपकी. तो जब भी मैं कोई चीज बोलूंगा भाई साहब, जैसे वो बोला वो मेरे मुंह से वो बात निकली, और जैसे वो बात मेरे मुंह से निकली वो मेरी बात, वो मेरे मुंह से निकली वाली बात के फॉर्म में निकलेगी, साउंड के फॉर्म में निकलेगी. साउंड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पता नहीं है या नहीं अभी देखेंगे. वो साउंड जब निकला, सामने कोई ऑब्जर्वर है सुनने वाला हो, तो ये साउंड यहां से जब निकलेगा तो क्या वो किसी पॉजिटिव टर्मिनल या किसी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा या सीधी निकलेगा और उसको दिखाई देगा, चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा. क्या किसी टर्मिनल की तरफ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, सीधे जाएगा? आप कहेंगे सर सीधे जाएगा, कभी भी इधर उधर डेविएट नहीं होगा. अच्छा ठीक है, एक मिनट, अगर ऐसा होता तो कितना मजा आता ना. जब हमें कोई
गाली दे रहा होता तो हम नेगेटिव टर्मिनल को सामने रख देते और वो गाली रिपेल होकर के दूर चली जाती, और जब हमें कोई हमारी तारीफ कराता हम पॉजिटिव टर्मिनल को सामने रखते और वो तारीफ हमारे पास आती और हम बड़े हो जाते आराम से मस्त होते सुनते। काश ऐसा होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी साउंड डेविएट नहीं होता। इसका मतलब साउंड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए दूसरी बात, ये जो लाइट आपको दिख रही है सेशन लाइट हो या भी बल्ब की लाइट या फिर कोई भी लाइट हो या प्रोजेक्टर की लाइट जो आ रही है, ये जो लाइट आपको दिख रही है ये लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? समझते हैं, क्या मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्च मारू तो टॉर्च इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा? क्या ऐसा कुछ होगा? अगर ऐसा होता तो सबसे अच्छा मैग्नेट हमारा अर्थ है, बहुत अच्छा मैग्नेट है, बेहतरीन मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है अर्थ, इसीलिए उसका नाम है अर्थ, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो मैं अगर आपसे बोलता कि सनलाइट से जो जितनी भी लाइटें आ रही हैं, अगर ये हमारा ये जो अर्थ है ये इतना अच्छा सोर्स है, इतना अच्छा मैग्नेट है, तो सर की सारी लाइटें इसकी तरफ अटैक होनी चाहिए, यानी कि वो चारों तरफ से इसी की तरफ से आ जानी चाहिए, ये खींच लेना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सन की लाइटें चारों तरफ जा रही है, सिर्फ इसी के पास नहीं आ रही। अगर ऐसा होता तो ऊपर एक बल्ब जल रहा है और आप में से क्लासरूम में आप एक सिंगल बल्ब है और सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई मैग्नेट लेके आता तो पूरी लाइट उस मैग्नेट से खींच करके उसके पास चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि ये लाइट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा, इसका मतलब लाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अल्फा बीटा और गामा में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है? देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सबसे पहले आंसर किसका है? अल्फा बीटा एंड गामा में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है? अल्फा एंड बीटा, नितिन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अल्फा एंड बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा तो डेविएट हो रहे थे। अल्फा एंड बीटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयुष ने भी बिल्कुल सही, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ओके श्रुति ने भी अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल सही अल्फा एंड बीटा। क्या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बताएं गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? आशीष ने बोला है नो, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। क्यों नहीं भैया? पर हम जब कही गामा, तो ये जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जी हाँ, गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चलिए नेक्स्ट, क्या एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बताए क्या एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस बिल्कुल सही आंसर है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई साहब कितना खतरनाक एक्स रे है, मैं आपको बताऊं, आपने 1920 मूवी देखी होगी, 1920 मूवी में वो अलग बात है कि वो एक भूत होता है जो जो हमारी एक खूबसूरत सी हीरोइन है उसके यहाँ पे गले में यहाँ पे हाथ ऐसे दबा होता है और एक्सरे में आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आया और वो जो रियल में दिखाई नहीं देता और जब उसे पकड़ा एक्सरे में दिख गया, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, तो फिल्म है फिल्म कुछ भी हो सकता है। और उसमें एक डायलॉग होता है, जब वो दोबारा से एक्सरे के लिए जाया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, मैं अगर 7 दिनों के अंदर फिर से एक्सरे करता हूँ तो इनकी जान को खतरा होता है। एक्चुअली उस टाइम पे एक्सरे मशीन नहीं बनी थी तो इसलिए ये दिक्कत आई। आज एक्सरे मशीन को थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी को अच्छा किया गया है, यानी कि उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान जरूर होता है। आप अपनी बॉडी से जब एक्सरे ऐसे पास होने के लिए का इजाजत देते हैं, आप एक्सरे जब पास होता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उस व्हाइट ब्लड सेल्स से पास होते हुए जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स को मार देता है, और जब व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा भी कट लगा तो कैंसर का रूप ले लेगा,
इसलिए एक्सरे कम से कम कराएं, सिटी स्कैन तो कभी कराएं जब जरूरत पड़े, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाने वाली। तो एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मोबाइल वेव जो आप लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, क्या ये मोबाइल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? सोच के बताइए, क्या मोबाइल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बिल्कुल सही आंसर है, जी हाँ बिल्कुल है, मोबाइल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये हमारी बॉडी को इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, वो अलग बात है थोड़ा कम होता है पता नहीं चलता। एक बात मैं आपसे बताऊं कि अगर आप मोबाइल से एक घंटे अगर लगातार बात करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, और जब वो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है तो उस ब्रेन को वापस से रिकवर होने में 7 मिनट्स लगते हैं, 7 मिनट लगता है, 7 मिनट बाद वो वापस से रिकवर हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आप देखेंगे बहुत सारे नेटवर्क वालों ने ऐसा कर दिया कि आप एक घंटे तक आपकी कॉल चली उसके बाद ऑटोमेटिक कट हो जाती है, इसलिए कट होती है कि आप इसे कट करें, थोड़ी देर रेस्ट करें, एटलीस्ट 7 मिनट के बाद आप दोबारा कॉल करें। लेकिन आप लोग भाव बच्चा जानू सोना के चक्कर में जैसे कटता है तो आपको गुस्सा लग जाता है, कैसे करिए दोबारा मिला देते हैं, तो ये ना करें, इससे क्या होगा ब्रेन धीरे धीरे गंड लगाने लगता है। ठीक है, तो आप तो जा ही रहे हैं साथ ही साथ आपके भाव बच्चा जानू सोना भी जा रहे हैं, इसलिए कोशिश करें एक घंटे से ज्यादा बात ना करें, और अगर एक घंटे ज्यादा बात करना है तो उसके लिए 7 मिनट देख दिए अपने आपको। तो ये कुछ बातें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेनली 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, हेडिंग डालने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड इज वेव नंबर। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। आइए देखते हैं कि वेवलेंथ होता क्या। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहला है वेवलेंथ, हैंड डालें वेवलेंथ और लिखें लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ। Length of one complete wave is known as wavelength. आइए देखते हैं one complete wave का क्या मतलब है। अगर वेव यहां से स्टार्ट हुई है तो एक बार ऊपर की तरफ चढ़ती है फिर जीरो होती है, फिर नीचे तरफ जाती है फिर जीरो होती है, तो जहां से चली है वहीं पे एक बार ऊपर एक बार नीचे जाने के बाद वापस से जीरो आए, यहां से लेके यहां तक की इसको एक वेव बोलेंगे, और यहां से लेके यहां तक की इस डिस्टेंस को एक वेव लेंथ बोलेंगे। या आप कह सकते हैं कि इस दोनों पोर्शन के जो दो सबसे टॉप पोर्शन है दो पोर्शन को आपस में मिला दिया जाए तो एक वेवलेंथ आएगा, या दो बॉटम पोर्शन को एक दूसरे से मिला दिया जाए वो एक वेवलेंथ होगा। आपकी मर्जी, आप जैसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। कहने के लिए आपने मैंने लिखवाया द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ, या आपके बुक में लिखा हो जाएगा कि कॉन्सिक्यूटिव दो क्रस्ट के बीच का जो लेंथ होगा उसे वेवलेंथ होगा, या दो ट्रफ के बीच का जो वेवलेंथ होगा वो जो लेंथ होगा उसे वेवलेंथ होगी। तो लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ या लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में का वेवलेंथ का लेंथ वेवलेंथ कहलाएगा, या ट्रफ के बीच का लेंथ वेवलेंथ कहलाएगा, या मैं आपको बता सिंपली एक वेव का लेंथ वेवलेंथ कहलाता है, सिंपल। दूसरी बात होगी आपकी वेवलेंथ, अगर आपके समझ में आ गया हो तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैम्डा का यूज करेंगे। लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वेवलेंथ के सामने आप लिख देंगे लैम्डा, और इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर एंड एंगस्ट्रॉम। स्टार पॉइंट बनाया और लिखें यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या यूनिट है? सेंटीमीटर, मीटर एंड एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर, मीटर एंड एंगस्ट्रॉम ये इसकी यूनिट।
कुछ बार पॉइंट आप इसे नोट कर लें, 1 angstrom = 10^-10 meter, 1 angstrom = 10^-10 meter. दूसरा 1 angstrom = 10^-8 centimeter, 1 angstrom = 10^-10 meter, या 1 angstrom = 10^-8 centimeter. ये तरह आपका वेवलेंथ। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है सिंपली जो बोलते हैं उसे साइकिल पर सेकंड बोलते हैं, एक बार बोलते हैं। चलिए मैं आपसे छोटी सी बात करूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ बोलने को बोल रहा हूं, आप बोलेंगे और टाइम कंसिडर करेंगे। देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बोलो, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चखाई, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चखाई। टाइम लगा, कुछ लोग बोलेंगे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चखाई, थोड़ा सा कम टाइम लगा, लेकिन मैं बोलूंगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चखाई। मैं थोड़ा कम समय में पूरा कंप्लीट कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे इस मुंह से लिप्स से पर सेकेंड ज्यादा वर्ड निकले होंगे, इसीलिए कम समय लगा इसको कंप्लीट करने में। इसका मतलब मेरे वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत फ्रीक्वेंसी, बहुत फ्रिक्वेंटली मैं बोल रहा हूं, बहुत तेजी से बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, यहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट सर मूड है और ये जो निकल रहा है ये आपके वर्ड है, ऐसे तो एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से कितने नंबर ऑफ साइकिल पास हो रहे हैं एक सेकंड में, ओके? तो नंबर ऑफ वेव पास्ड इन वन सेकंड थ्रू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट पॉइंट बनाए लिखे एंड डाले फ्रीक्वेंसी लिखे, नंबर ऑफ वेव passing through a point in one second is known as frequency. Number of wave passing through a point in one second is known as frequency. चलिए, एक सेकेंड में कितने वेव पास हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। It is denoted by nu. Nu से denote करेंगे इसे। ये सिंबल नहीं है। ये v नहीं है, ये nu. Nu, nu. The unit of frequency is hertz per centimeter. Hertz ने इसको सबसे पहले बताया था, इसलिए इसके यूनिट hertz हो गए। Hertz per centimeter. यानी कि वेव को hertz में नापते हैं। कितना वेव एक सेकंड में, तो हर्ज पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होगी, हर्ज पर सेकंड, या आप कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड, आपकी मर्जी, ये इसकी यूनिट होगी, हर्ज पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, ये करेक्ट फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हम बात करेंगे वेव नंबर के, फ्रीक्वेंसी को जरा ध्यान से देखें। अगर मैं वेव वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेव वेलोसिटी क्या कहलाती है? वेलोसिटी होती है मेरे ख्याल से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम,
तो मान लो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी लैम्डा। लैम्डा को अगर एक सेकेंड में पास होना हो तो वेलोसिटी क्या होती है, c इक्वल टू लैम्डा बाई वन, कुछ इस तरीके से लिख सकते। तो एक लास्ट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ आपको पता, फ्रीक्वेंसी आपको पता, वेलोसिटी आपको दे दिया जाए। तो ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव। तो जरा बताइए, मैं यहां से लेकर यहां तक का कुछ पर्टिकुलर लेंथ ले लेता हूं और उसमें कितने वेव है, 10 वेव एक सेकेंड में पास हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 वेव अगर एक सेकेंड में पास हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 वेव पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 वेव पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, 10 वेव पास हो रहे हैं। मैंने काउंटिंग कर लिया 10 वेव का, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 10 वेव पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू। वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। स्टार पॉइंट बनाए और लिखें, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। Okay? तो यहां पे इसकी जो रिलेशन होगा वो होगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक, इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ या c इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड आपका c दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ या c इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। मैं उम्मीद करूंगा ये सारी चीज आपको दिख रही है, अच्छे से समझ आ रही है। अब हमारे पास जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका वेव नंबर। आइए देखते हैं वेव नंबर क्या होगा। अभी तक आपने कहा कि एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई, वो वेव नंबर पर वेव वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मैं कह रहा हूं एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव है, वो आपका वेव नंबर कहलाता है। देखें, मैं कह रहा हूं यहां पे एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहां से यहां तक है, उस एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस में कितना वेव पास हो रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। स्टार्ट पॉइंट बनाए और लिखे, वेव नंबर, वेव लेंथ लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, वेव नंबर लिखे। ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ, पासिंग थ्रू अ यूनिट लेंथ इन वन सेकेंड। एक यूनिट लेंथ से एक सेकेंड में कितना वेव पास हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ से कितना वेव पास हो रहा है उसे वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार से। न्यू जैसे भी आपने फ्रीक्वेंसी लिखा था न्यू, और उस न्यू के ऊपर एक बार लगा दीजिए, हो जाएगा न्यू बार। तो न्यू बार आपका क्या है, वेव नंबर। तो न्यू बार दिस इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, यूनिट क्या है इसकी, पर सेंटीमीटर या पर एंगस्ट्रॉम या पर मीटर, वो डिपेंड करेगा आपने जो डिस्टेंस लिए वो किसमें लिए। अगर आपने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया है तो न्यू बार क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। अगर आपने डिस्टेंस को मीटर लिया है न्यू बार क्या हो जाएगा, पर मीटर। और अगर आपने डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम में लिया है तो न्यू बार हो जाएगा पर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होगा आपका वेव नंबर। इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टी देखा, वेव लेंथ देखा, फ्रीक्वेंसी देखा एंड वेव नंबर देखा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायोलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है यानी कि न्यू बार निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू निकालना है, वेवलेंथ कितना दे रखा है
4000 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, सी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए इसको मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन है, इसलिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में हमें वेव नंबर निकालना होगा। वेव नंबर का फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल टू 1/λ। लैम्डा कितने दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वेव नंबर हमें निकल जाएगा 4000, यानी कि 4000×10⁻¹ एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। आप चाहें तो एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर के बजाय पर एंगस्ट्रॉम लिख दी। यहाँ पे यूनिट अगर एंगस्ट्रॉम में आ जाए तो 4×10⁻¹, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने देखा इसको कैलकुलेट किया, हमने ये फाइनली 4×10⁻¹ मीटर आ गया। दूसरे स्टेप में वेव नंबर है, ठीक है। स्टेप वन में हमने वेव नंबर कैलकुलेट किया, 4000 एंगस्ट्रॉम को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 4×10⁻¹ मीटर। या आप ऐसे लिख सकते हैं 4×10⁻¹⁰ 4×10⁻³ एंगस्ट्रॉम, आपकी मर्जी। आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें, आप इसमें लिखना चाहें। हमें फॉर्मूला लिखा नेवल क्वेश्चन अपॉन लैम्डा, 1/λ इक्वल 4×10⁻¹ मीटर में लिख के रिजल्ट रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली वेव नंबर आ गया 2.5×10⁶ पर मीटर, या 2.5×10⁴ पर सेंटीमीटर। ये वेव नंबर आ गया। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। सेकेंड वन में क्या करना होगा, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। वायलेट लाइट की लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालेगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, सी इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा, यानी कि न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू 3×10⁸, मैंने आपको बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होनी चाहिए। तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। जब इन वैल्यू को उठा करके इस एंगस्ट्रॉम को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और फाइनली हम फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल करके सी की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सी की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड और न्यू की वैल्यू 4×10⁻¹ मीटर। इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास होगा। मेरे ख्याल से आप सब लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट करने का फाइनल आंसर होगा 7.5×10⁴ पर सेकंड। ये आपका फ्रीक्वेंसी पता चल गया। इस तरीके से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देख ली। अभी तक हम लोगों ने वेव नंबर देख लिया, वेवलेंथ देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, इन सब में रिलेशन देख लिया, यानी कि प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की देख ली। मैं आपको बताऊं, मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रखी है उन सारी प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वाटर वेव और एयर वेव से, साउंड वेव जो एयर में है या वाटर वेव, इन सबसे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोल दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। ये रेडिएशन का पूरा एक लेयर बन रहा होगा। सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव, पहला है लॉन्ग रेडियो वेव। इसकी जो रेडियो ये लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ, वो 10⁻¹ से लेकर के 10⁸ तक है, या उससे ज्यादा, यानी कि 10 से लेकर 10⁸ तक कितने मीटर की वेवलेंथ होगी, ठीक है। जो रेडियो वेव है आप देखेंगे वो
वन से लेकर के टेन तक होती है, अप्रोक्सीमेट वन से लेकर टेन तक होती है। तो चूंकि अगर वन से लेकर टेन तक इसकी लंबा है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं सीधा ही लंबा, आपकी मर्जी आप निकालने के बाद में। उस रेडियो वेव में एफएम रेडियो आता है या एएम रेडियो आता है, ये वेव आते हैं दोनों। एफएम रेडियो का जो वेवलेंथ होता है वो एएम रेडियो के वेवलेंथ से कम होता है। एफएम रेडियो का वेवलेंथ कम होता है, थोड़ा मुश्किल से पकड़ता है। गांव में तो एफएम रेडियो बहुत मुश्किल से आता है क्योंकि वहां पर वेवलेंथ ज्यादा होती है एनर्जी कमी की वजह से। उसके बाद आता है रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में लाए थे मोबाइल वेव भी इसीलिए नहीं बीच में आता। माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड वेव IR। उसके बाद आता है आपको विजुअल, यहाँ पे आपको जो ये बैंड दिख रहा है ये विजुअल रेंज है, विजुअल वेव। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज एंड फिर आपका गामा रेज। इस तरीके से ये पूरा का पूरा वेव आपको दिख रहा है। ये जितने वेव हैं मैं आपको बता दूं कि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है। बस अभी क्लियर आप इतना जाना कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहां से लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, आप देखेंगे उस टाइम पे एनर्जी वेवलेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। सबसे कम एनर्जी किसकी है, लॉन्ग रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा वेव किसकी होगी, गामा रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अब देखिए ये वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतनी खतरनाक होगी। आप इतना समझ लीजिए, हार्मनियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नोट कर लेंगे इस बात को, किसी भी वेव की जो हार्मनियस होती है वो हार्मनियस वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा खतरनाक वेव, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम खतरनाक वेव। या उल्टा बोलूं, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम खतरनाक वेव, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा खतरनाक वेव। ये देखिए वेवलेंथ यहाँ पे दिख रहा है, ये पास पास है, पास पास है, ये पास पास है और ये थोड़ा सा दूर दूर है, ये थोड़ा और दूर दूर है, ये थोड़ा और दूर दूर है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि एनर्जी कम होती चली जाएगी। चलिए मैं आपसे कह दूं, अगर आप लॉन्ग रेडियो वेव की बात करें या एएम या एफएम की बात करें या माइक्रोवेव की बात करें, यहां से लेके ये सारी चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हमारे फिजिक, क्योंकि हम ये लाइट वेव देते हैं तो लाइट वेव से ज्यादा वेवलेंथ वाली जितनी भी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, चाहे वो इंफ्रारेड रेंज हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे एफएम हो, चाहे एएम हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे मोबाइल वेव हो, ये सब हमें फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सब हमें मेंटली टॉर्चर करते हैं, मेंटली नुकसान पहुंचाते हैं। फिजिकली इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे बॉडी पे, लेकिन मेंटली इनका इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको ये बात बताई, अगर आप काफी देर तक, आप देखें कि जब आप मेट्रो में चलते हैं तो मेट्रो में आप जहां पे कार्ड सेव करते हैं तो वहां रेडियो, मेट्रो में हर जगह, जैसे आप मेट्रो में एंटर करेंगे आप हर जगह देखेंगे रेडिएशन ही रेडिएशन। आप कार सेव करते हैं रेडिएशन, आपको आप बगैर कार सेव के आगे बढ़ जाते हैं तो वो लॉक हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप एक लेयर है रेडिएशन की उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हर जगह रेडिएशन, वो रेडिएशन सब इंफ्रारेड है, वो इंफ्रारेड हमारी बॉडी को फिजिकली डैमेज नहीं करता बट मेंटली डैमेज कर देता, हम अंदर से टूटते हैं। वो अलग बात है कि हम इसका कितना यूज करें, जो जितना ज्यादा इसका यूज करेगा वो उतनी जल्दी मरने वाला है, उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी कम होती चली जाएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल से आप ज्यादा बात करते हैं, 2 घंटे बात करेंगे तो 7 मिनट आपको गैप देना है। इसलिए आज से याद रखिए, जो घर पे बैठे हैं कोई काम नहीं, बाबू बच्चा जान सुना कर रहे हैं, तो लोगों को बता दें वो कम करें, वो ऐसा ना करें।
अगर आप कर रहे हैं तो एक घंटे बात करने के बाद 7 मिनट एटलीस्ट अपने ब्रेन को रेस्ट में। उसके बाद आता है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज हमारे लिए कोई खतरा नहीं पैदा करता, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, हमें कहाँ खतरा पैदा करेगा, ये तो सबसे अच्छी रेंज है हमारे लिए। लेकिन उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रेंज। अल्ट्रा वायलेट रेंज आपको पता है सन के सनलाइट जब होती है जिसमें ओजोन लेयर है वो इसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी रोक रहा है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक होता है। गर्मी का मौसम आ गया, अब आप घर से बाहर निकल के दिखाइए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे आपकी स्किन जल जाएगी, वो सिर्फ किसी वजह से उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। भाई साहब ये लो अल्ट्रा वायलेट का बाप, एक्सरेज। एक्सरेज तो भाई पूछो मत। मैंने आपको बताया ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सिर्फ आपके बॉडी के आपके स्किन को जलाएगा, एक्सरेज आपके बॉडी के अंदर घुस जाएगा और वाइट ब्लड सेल को मार देगा, फिर धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। भाई साहब उसका भी बाप गामा रेज। गामा रेज इतना खतरनाक है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल क्या बोन के अंदर घुस के बोन नैरो को भी खत्म कर देता है। सोचो इतना खतरनाक। खास अगर आपने गामा रेज की चपेट में आ गए तो आप एक बार बस छींक दीजिए, आपके रीढ़ की हड्डी तो चूर चूर हो जाएगी, इतने टुकड़े होंगे रीढ़ की हड्डी की, आपके इस बैक बोन की हड्डियां इतनी ज्यादा पीसेज में डिवाइड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि आप गामा रेडिएशन के चपेट में आ गए। भाई साहब इन लोगों से बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेने के लिए फैजल आएगा, जो कि मैं यहां पे दिखाया नहीं। गामा रेडिएशन से आप खोजो दूर रहिए, और ये तभी निकलता है जब न्यूक्लियर फिजन होता है, कोई एटम बम फटता है। इन सब का भी गॉड है जिसे हम कॉस्मिक रेज का नाम देते हैं। कॉस्मिक रेज के बारे में सपने में भी मत सोचना, क्योंकि अगर वो आपने सपने में देख लिया तो भी आगे आपके मार्ग चला जाएगा, इतना खतरनाक। ये सोच लो अर्थ से वो 50 लाइट ईयर दूर भी अगर कोई कॉस्मिक रेज निकल रहा होगा तो भी अर्थ गया, खतरा इतना खतरनाक होता है कॉस्मिक रेज। इसलिए हमारी सिलेबस में है ही नहीं कॉस्मिक रेज, हम पढ़ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते पढ़ने की दूर बात, कोई सोचेगा भी नहीं तो कॉस्मिक रेज कोई सोचेगा भी नहीं। इस तरीके से हमारे रेडिएशन है, इस बात को याद रखिए। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसी भी वेवलेंथ की जो एनर्जी है और किसी भी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। या दूसरा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां से आगे की तरफ लिखिए हार्मफुल है और इसके इस तरफ लिखिए हार्मलेस है। ये सब हार्मलेस है, यहां से आगे की तरफ आएंगे आप हार्मलेस हो, यहां से आगे की तरफ जाएंगे आप हार्मफुल हो जाए। ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। आपने अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ने की कोशिश की और मैंने आपको अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इस तरफ आने पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ आने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, यहां से लेके इस तरफ के आगे वाला जो पोर्शन है वो आप देखेंगे कि हार्मफुल है, जिससे यहां से आगे की तरफ आएंगे इस तरफ तो वो हार्मलेस हो जाएगा। ये जो विजिबल रेंज है आप इसको भी नोट कर लीजिए, विजुअल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है वो है 7.9 × 10¹⁴ हर्ट्ज से लेकर के 3.9 × 10¹⁴ हर्ट्ज का स्टार्टन बनाया हुआ लिखने। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल रेंज 7.9 × 10¹⁴ हर्ट्ज। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आप देखेंगे कलर, अगर आप ध्यान से देखें ये रिड्योर के लिए आपको 7 कलर आपको दिखेंगे और सबसे पहला होगा रेड और आपके सबसे आखिरी होगा वायलेट। तो आप देखेंगे जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना,
इसकी वेवलेंथ आप देखेंगे सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर का वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहां से आप ऐसे आगे ले विद योर पूरा और वी सॉरी यहाँ उल्टा लिखना बोलिया विद योर ऐसे करके आप आगे लिखेंगे, ये आपका रेड है ये आपका वी है, वी वॉलेट, वॉलेट सबसे इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, रेड की एनर्जी सबसे कम होगी, रेड की एनर्जी सबसे कम होगी इसका मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा इसका वेवलेंथ सबसे कम है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक कैंडल जलाइए, उस कैंडल के ढेर सारे लेयर, मैंने क्वेश्चन में तीन लेयर बना दिए और मैंने आपसे बस इतना पूछ लिया कि पहला लेयर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर है, तीन कलर दे दिया, एक कलर आपका रेड है, दूसरा कलर आपका ब्लू है, तीसरा कलर आपका येलो है, तीन कलर मैंने दे दिया और मैं पूछ रहा हूं सबसे अंदर वाला कलर कौन से कलर होगा, रेड होगा और सबसे बाहर वाला कलर कौन सा होगा, आपको बताना है रेड वाला कलर सबसे बाहर होगा या सबसे अंदर होगा, जल्दी से बताइए, उस कैंडल में रेड वाला कलर सबसे बाहर दिखेगा या सबसे अंदर दिखेगा रेड वाला कलर। एक कैंडल को जलाया, तीन लेयर बनाए, एक का कलर है रेड, एक का कलर है ब्लू, एक का कलर है येलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेड वाला जो कलर है वो सबसे बाहरी लेयर होगा या सबसे अंदर वाला लेयर होगा, आउटसाइड, बिल्कुल सही आंसर है, सबसे बाहरी जो लेयर होगा वो रेड कलर का होगा, क्यों, क्योंकि रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है और जब आप लेयर वाइज देखेंगे तो कैंडल जो जहां पर जल रहा है वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और जैसे जैसे आगे जाएगा एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि रेड सबसे आउटर लेयर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका एक आयरन का रॉड है, इस आयरन के रॉड को मैं गर्म करूंगा, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो सबसे पहले किस कलर का दिखेगा, सबसे पहले ये किस कलर का दिखेगा, किसी का आंसर नहीं आ रहा, रेड कलर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबसे पहले किस कलर का दिखेगा, रेड कलर का, अभी भी मैं गर्म करना छोड़ू ना और अभी भी मैं गर्म करता रहूं तो बताइए सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा गर्म होने के बाद, यानी कि अब मैं पहले रेड कलर का दिखा उसके बाद अभी भी रुकू ना और उसे गर्म करता चला जाऊं गर्म करता चला जाऊं तो कौन से कलर का आएगा, रेड के बाद दूसरा नंबर किस कलर का होगा, वॉलेट लास्ट में, वॉलेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये आयरन का रॉड है और जरा वहां तक पहुंचते पहुंचते ये मेल्ट हो चुका होगा, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, सोचिए। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया कि वॉलेट तक पहुंच गया, वॉलेट तक पहुंचने के बाद मैं आपसे कहूं अभी भी एनर्जी देना शुरू कर दो, ऑरेंज, ओके ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी भी एनर्जी देना बंद ना करो, इसका जो मैक्सिमम था वहां तक पहुंचने के बाद भी अभी भी आप इसे एनर्जी देना बंद ना करें तो क्या होगा, अब ये डिसअपीयर हो जाएगा, आपने कहा कि पहले रेड कलर हुआ और एनर्जी देना बंद ना करें, देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, तो एक टाइम आएगा जब इसका वायलेट कलर आएगा और उसके बावजूद आप एनर्जी देना बंद ना करें, चलता रहेगा, एक टाइम आएगा ये पूरा पूरा आयरन रॉड डिसअपीयर हो जाएगा। इस बात को याद रखें, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है वो डिसअपीयर हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी आने पर वो डिसअपीयर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक कार ले लीजिए, उसको रोड पे चलाते हुए देखिए, जब वो रोड पे कार चल रही होगी तो पहले वो कार स्लो चल रही है तो आप उसे आराम से देख पा रहे हैं, प्रॉपर मेजरमेंट सब कुछ उस पर क्या लिखा हुआ सब देख पा रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं तो अब आप ये तो देख पा रहे हैं कि कार चल रही है बट उस पर क्या लिखा हुआ है क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं कह रहा हूं थोड़ी स्पीड और बढ़ा दीजिए, थोड़ी स्पीड और बढ़ाने पर आपको दिखेगा कोई व्हीकल चल रही है लेकिन कौन सी व्हीकल है आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा, मैं कह रहा हूं अभी स्पीड और बढ़ा दीजिए, कुछ देर के बाद आप देखेंगे अभी कुछ चल रहा है लेकिन क्या व्हीकल है कोई पार्टिकल ये नहीं दिखेगा, मैं कह रहा हूं और बढ़ाओ, इनफाइनाइट कर दो उसकी स्पीड को, तो क्या आप कार को देख पाएंगे, वो नहीं, वो कार अचानक से गायब हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो है ही नहीं यहाँ पे,
बस वो गायब हो गई है। इसका मतलब अगर किसी के पास एनर्जी, आप मुझे एनर्जी दे एनर्जी दे एनर्जी दे, जब आप एनर्जी देते रहेंगे मेरा कलर चेंज होता रहेगा, अचानक से मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा, भगवान यानी कि मैं मैक्सिमम एनर्जी पा गया हूँ, यानी कि मैं भगवान बन गया, गॉड बन गया। जब मैं डिसअपीयर होऊंगा तो मैं बोलूंगा आई एम एवरीवेयर, क्योंकि आपने एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये कुछ होगा, आप देखेंगे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 10^6 Hz होती है। इसी तरीके से जो रडार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 10^10 Hz होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है ये हमारे लिए मुश्किल नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मुश्किल क्रिएट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। जब वेव चलता है तो दो तरीके से, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है। इट्स नॉट अबाउट ब्लैक होल, नहीं, ब्लैक होल एब्जॉर्ब तो सब कर ले रही है लेकिन इमिट नहीं कर रही है, तो ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं। ब्लैक बॉडी का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कोई ऐसी बॉडी जो काली हो, ऐसा भी नहीं, जरूरी नहीं है। अलग बात है कि आपको कहा जाता है गर्मियों में व्हाइट शर्ट पहन के चले, आप ब्लैक शर्ट पहन के ना चले, क्योंकि ब्लैक शर्ट बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आपको गर्मी लगने लगती है, इसलिए व्हाइट पहन के चलेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और हर टाइप की एनर्जी को इमिट कर सकती है, वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी कभी रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और तीसरी बात है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है, दूसरी तो वो एनर्जी को या तो इमिट कर रहा होगा या तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर हम मैक्सवेल के बारे में बात करें तो मैक्सवेल ये सारी चीजें भले बता दिए थे लेकिन वो इन ब्लैक बॉडी के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन को वो नहीं बता पाए थे, वो तीन चीज मैक्सवेल नहीं बता पाए थे। इसलिए मैक्सवेल जब यहाँ पे फेल हुए तो हम दूसरे साइंटिस्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन उन साइंटिस्ट की तरफ चलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यानी कि आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके आगे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और 40 मिनट्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आप कोई अपनी कॉपी में 40 लिख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो मैं आपसे पूछ सकूं कि हम कहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये आज की पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से ब्रेक के बाद, ओके। आप सभी लोग घर में बैठे रहें, मास्क लगा के बैठें और कहीं पर जाएं ना, क्योंकि कोरोना आपको ये नहीं पहचानेगा कि आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या बनने जा रहे हो या क्या हो गई। इसलिए आप सब लोग जितने भी लोग हैं वो घर से बाहर तो नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस मीटिंग को लेट करता हूँ, छोड़ता हूँ, आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार मित्रों।